हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल लाइफलाइन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम दो स्विच और एक सॉकेट का बोर्ड आप अपने घर में कैसे तैयार कर सकते हो और कैसे आपको इसमें कनेक्शन करना है उसके बारे में जानेंगे। सॉकेट यहाँ पर मेरे पास एक सॉकेट है, उसको मैं इस स्विच से कनेक्ट कर दूंगा और मेरे पास जो एक्स्ट्रा स्विच यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ उसको मैं इस बल्ब के साथ कनेक्ट करूँगा, जो कि आप अपने घर में फैन या फिर किसी भी दूसरे माध्यम को जोड़ सकते हो। और दोस्तों, अगर आप इस वाले स्विच को अपने मोटर या फिर किसी दूसरे जो इक्विपमेंट के साथ जोड़ना चाहते हो तो भी जोड़ सकते हो। तो इसको मैं यहाँ पर बल्ब को इस वाले स्विच में कनेक्ट करके बताऊंगा और कैसे आपको इसमें वायरिंग करनी उसके बारे में जानेंगे। सो अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास एक थ्री वे गेंग बॉक्स है जो कि आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। इसमें आप तीन स्विच भी फिट कर सकते हो या फिर दोस्तों, अगर आप इसमें दो स्विच और एक सॉकेट फिट करना चाहते हो तो भी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं जो इसमें दो स्विच और एक सॉकेट यहाँ पर लगा देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि इसको आप यहाँ से कटिंग करके यहाँ पर इसको सॉकेट भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं इसको इन तीनों को यहाँ पर फिट कर देता हूँ फटाफट। सो गाइस, यहाँ पर मैंने दो स्विच और एक सॉकेट को यहाँ पर फिट कर दिया। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने दो स्विच यहाँ पर लगा दिया और एक यहाँ पर सॉकेट लगा दिया। तो ये वाला जो स्विच है वो मैं इस सॉकेट के साथ कनेक्ट करूँगा और ये वाला जो स्विच है इसको मैं यहाँ पर बल्ब के साथ कनेक्ट करूँगा। तो दोस्तों, इसको हम जैसे बैक साइड करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो सॉकेट है इसमें आपको दो पॉइंट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको एल लिखा हुआ शो होगा और यहाँ पर आपको जो एन लिखा हुआ शो होगा। तो यहाँ पर एल का मतलब जो होता है लाइन होता है और दोस्तों इसको आप फेस भी बोल सकते हो, और ये वाला जो पॉइंट होता है वो कॉमन होता है यानी कि न्यूट्रल होता है। तो कैसे आपको इसमें वायरिंग करनी और कैसे आप जो है अपने किसी भी दूसरे इक्विपमेंट को इसके साथ जोड़ सकते हैं जो कि यहाँ पर एक्स्ट्रा स्विच है, तो यहाँ पर चलिए हम फटाफट से इसमें वायरिंग कर देते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने रेड और ब्लैक कलर का वायर ले लिया, जो कि हम ब्लैक कलर का वायर है इसको हम न्यूट्रल के लिए यूज़ करेंगे और नॉर्मली जो हम रेड कलर का वायर यहाँ पर लिया है इसको हम जो है फेस के लिए यूज़ करेंगे। तो कैसे आपको इसमें वायरिंग करनी है उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो कि यहाँ पर भी आपको दो पॉइंट देखने को मिलेंगे स्विच पर। तो दोस्तों, आपको कैसे इसमें वायरिंग करनी है, तो दोस्तों आपको जो हमेशा इन दोनों स्विच जो कि हम जो मेन लाइन से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको इन दोनों स्विच को एक वायर से कनेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर मैंने एक वायर ले रखा है, तो इस वायर को मैं इन दोनों स्विच के निचले हिस्सों को यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि दोनों यहाँ पर निचले वाला पॉइंट को यहाँ पर जोड़ देता हूँ। यहाँ पर मैंने स्विच के दोनों निचले वाले पॉइंट को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास जो दूसरा छोटा टुकड़ा है इसको आपको कहाँ पर लगाना है, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि स्विच में आपको दो पॉइंट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को जो मेन लाइन से जो वायर आएगा वो इसमें लगेगा, तो यहाँ पर एक ऊपर वाला पॉइंट दिखेगा एक स्विच को जिसको आपको सॉकेट के साथ कनेक्ट करना है। उस वाले स्विच के ऊपर वाले हिस्से को आपको यहाँ पर जो एल लिखा हुआ शो रहा है उसमें आपको लगा देना। तो यहाँ पर मैं इस वाले सॉकेट को इस वाले स्विच के साथ जोड़ देता हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने न्यूट्रल के वायर को यहाँ पर छोड़ रखा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको कैसे कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने दो वायर ले रखे जो कि मेरे मेन लाइन से आएंगे, यानी कि ये वाला जो वायर है वो न्यूट्रल के लिए और ये वाला जो वायर है रेड कलर का वो फेस के लिए। तो दोस्तों, ये डायरेक्ट वाले वायर है, तो इसको आपको कैसे कनेक्ट करना है, तो इसमें ये जो वाला वायर है वो हमारा फेस यानी कि मेन लाइन वाला वायर है जो कि आपको स्विच के निचले हिस्से वाले पॉइंट में कनेक्ट कर लेना। तो आपने जितने भी स्विच लगा रखे उनमें आप किसी भी पॉइंट में इसको कनेक्ट कर सकते हो या फिर कनेक्शन दे सकते हो। तो यहाँ पर फिलहाल मैं इस वाले पॉइंट को इस वाले स्विच के यहाँ पर हिस्से में जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस वाले वायर को यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, आप देख सकते हो कि हमारे पास जो दूसरा ब्लैक कलर का वायर है इसको हम न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर लेंगे, यानी कि हमारा जो मेन कनेक्शन आएगा उसमें हमेशा दो वायर आते हैं जिसमें एक न्यूट्रल होता है और दूसरा फेस होता है। तो हमने यहाँ पर फेस वाले वायर को तो जोड़ लिया और दूसरा जो हमारे न्यूट्रल का वायर आएगा ब्लैक कलर का उसको आपको सॉकेट के जो यहाँ पर एन लिखा हुआ शो रहा है इसमें आपको कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको इसमें लगा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने यहाँ पर न्यूट्रल को भी दे दिया है अपने बोर्ड में, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो सर्किट कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे जो मेन लाइन से जो दो वायर आते हैं उनको मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। तो हमेशा आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप फेस का वायर लो तो आपको स्विच के निचले वाले हिस्से में कनेक्ट करना है। अगर आप दो से अधिक स्विच भी लगा रहे हो तो भी आपको सभी स्विच के निचले वाले हिस्से को कनेक्ट करके उसमें इस वाले वायर को जोड़ देना है और न्यूट्रल वाले वायर को हमेशा आपको सॉकेट के एन वाले पॉइंट में ही देना है। सो अगर आप देख सकते हो कि हमारा जो बोर्ड है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि मैंने इस वाले स्विच को इस वाले सॉकेट के साथ कनेक्ट कर लिया है। इसके साथ दोस्तों, यहां पर हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्विच बच रहा है, इसको हम क्या करेंगे इस वाले बल्ब के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, आपके घर में
जिसको भी आप अपने स्विच के साथ जोड़ना चाहते हो उसको आपको कैसे वायरिंग करनी है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हमेशा आप किसी भी इक्विपमेंट यानी कि अगर आप मोटर फैन या फिर बल्ब अगर अपने स्विच के साथ जोड़ते हो तो उसमें से हमेशा दो वायर निकलते हैं। तो आपको कैसे इस वाले बोर्ड में यहाँ पर लगाना है जो कि आपने एक्स्ट्रा स्विच यहाँ पर अपने बोर्ड में दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर बोर्ड में होल्ड कर दिया है, तो मैं यहाँ पर इन दोनों वायर को यहाँ से निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बोर्ड में से वायर को निकाल दिया। तो दोस्तों आपको कैसे जो है इस वाले बोर्ड में अपने बल्ब का कनेक्शन देना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप कोई भी इक्विपमेंट अपने बोर्ड के साथ जोड़ते हो, चाहे आप मोटर है, बल्ब है या फिर फैन है, तो हमेशा आप जो भी अपने बोर्ड के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि आप अगर बल्ब है या फिर फैन है तो उसमें से हमेशा दो वायर निकलते हैं। तो आपको बोर्ड में कैसे इसकी वायरिंग करनी है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ब्लैक कलर का जो वायर है वो न्यूट्रल के लिए यहाँ पर दिया है और रेड कलर का वायर है वो मेन लाइन यानी कि फेस के लिए दिया है। तो हमेशा आपको ब्लैक कलर का जो वायर है न्यूट्रल का वो आपको यहाँ पर जो एन लिखा हुआ शो रहा है इसमें आपको दे देना है बोर्ड में, ठीक है, सॉकेट के एन वाले हिस्से में। आप यहाँ पर चाहे तो इस वाला जो वायर है इसको यहाँ पर काट के बीच में भी कहीं पर भी दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको यही बोर्ड में ही दे देता हूँ। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो बल्ब का दूसरा वायर है इसको आपको कहाँ पे कनेक्ट करना है, तो आप जिस स्विच के साथ अपने बल्ब को कनेक्ट करना चाहते हो यानी कि ऑफ ऑन करने के लिए यूज़ करना चाहते हो, नॉर्मली उस स्विच के ऊपर वाले हिस्से में अपने बल्ब के जो फेस का जो वायर है उसको कनेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इस स्विच को जो है बल्ब के साथ कनेक्ट करने के लिए रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो ऊपर वाला हिस्सा खाली है इसमें आपको इसको कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको फटाफट से इसमें कनेक्ट कर लेता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर बल्ब को कनेक्ट कर लिया। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि नॉर्मली आप जब भी अपने बल्ब को अपने एक्स्ट्रा स्विच के साथ जोड़ो तो आपको हमेशा न्यूट्रल वाले वायर को सॉकेट के एन वाले हिस्से में दे देना है और जो यहाँ पर फेस वाला वायर है उसको आपको स्विच के ऊपर हिस्से में दे देना है जिसके साथ आप अपने बल्ब को कनेक्ट करना चाहते हो। यानी कि जैसे मैं यहाँ पर इस वाले स्विच को ऑन करूँगा तो मेरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और ये वाला जो बल्ब है वो जलने लगेगा, तो मैं इस वाले स्विच को अपने बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ करना चाहता हूँ। तो दोस्तों हमेशा आप जिस स्विच को अपने बल्ब या फिर किसी भी दूसरे प्रोडक्ट के साथ जोड़ना चाहते हो तो हमेशा उस वाले वायर को आपको स्विच के ऊपर वाले हिस्से में जोड़ देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा बोर्ड कंप्लीट हो चुका, तो यहाँ पर मैं इसको पैक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर स्क्रू लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको वायर को अंदर डाल दिया, इसके बाद मैं यहाँ पर इसको फिट कर देता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा बोर्ड यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका। तो यहाँ पर मैंने इस वाले स्विच को इस वाले सॉकेट के साथ जोड़ दिया और यह वाला स्विच है इसके साथ मैंने इस वाले बल्ब को कनेक्ट किया, यानी कि इसके जरिए मैं इसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने दो वायर यहाँ पर निकाले हुए हैं जो कि न्यूट्रल और फेस है, यानी कि मेन लाइन से जो आपके दो वायर आते हैं उसको आपको इसके साथ कनेक्ट करना है। ये वाला जो वायर है वो ब्लैक कलर का वो आपके न्यूट्रल के लिए यानी कि कॉमन के लिए यूज़ होगा और ये वाला जो वायर है वो आपको फेस के साथ कनेक्ट कर लेना है, यानी कि मेन लाइन से आपको इन दोनों वायर को जोड़ लेना है। तो चलिए मैं आपको इसको टेस्ट करके बता देता हूँ कि हमने जो बोर्ड तैयार किया है वो कंप्लीट है या नहीं। तो यहाँ पर मैं इन दोनों वायर को अपने एक्सटेंशन बोर्ड के साथ जोड़ के बता देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एक बल्ब ले रखा है, इसको मैं आपको सॉकेट को यहाँ पर टेस्ट करके बताऊँगा। तो इसके लिए मैं इसको यहाँ पर इसमें लगा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारे पास एक एक्सटेंशन बोर्ड भी है, तो इसको हम यहाँ पर बोर्ड को टेस्ट करके चेक करेंगे कि हमने जो बोर्ड बनाया वो कंप्लीट है या नहीं। तो इस दोनों वायर को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो है सर्किट कंप्लीट है, यानी कि मैं जैसे ही यहाँ पर सॉकेट वाले बटन को यहाँ पर बंद करूँगा तो बल्ब भी बंद हो जाएगा और जैसे मैं स्विच को ऑन करूँगा तो यहाँ पर जो हमने सॉकेट के साथ कनेक्ट किया था तो यहाँ पर बल्ब जलने लगेगा। तो इस तरह आप जो यहाँ पर बोर्ड तैयार कर सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों आप देख सकते हो कि हमने जो यहाँ पर एक्स्ट्रा स्विच लगाया था, जैसे मैं स्विच को ऑन करूँगा तो आप देख सकते हो कि हमने जो इसको होल्डर के साथ कनेक्ट किया था तो यहाँ पर बल्ब जलने लगेगा, तो यहाँ पर जैसे मैं ऑफ करूँगा तो बल्ब बंद हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप दो स्विच और एक सॉकेट का बोर्ड अपने घर पे तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा।